सुनो भाई, हम चैप्टर कर रहे हैं अध्याय 10वां, भारत की विदेश नीति। हमने विदेश नीति के बारे में जान लिया है। विदेश नीति क्या होती है? अपने देश की, अपने देश के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो संबंध बनाते हैं, जिन नीतियों आधारों जिन सिद्धांतों पे, उसी को हम विदेश नीति कहते हैं। कि हमारी अमेरिका से दोस्ती क्यों है और चाइना से हम फूक फूक कर कदम क्यों रखते हैं, इन सब के पीछे कोई तो कारण होगा, कोई तो सिद्धांत होगा ना। हमारा पासपोर्ट किस देश में चल रहा है, हम किस देश में जाना चाहते हैं, हमारे देश से किस देश की दोस्ती है, अच्छी किसके साथ है, बुरी किसके साथ है, किसके साथ और अच्छी है, किसी के साथ गुपचुप है, किसी के साथ चिट्ठी भेज रहे हैं, किसी के साथ ईमेल भेज रहे हैं। तो हर किसी चीज़ का कारण है और उसके पीछे कुछ सिद्धांत होते हैं, हमारे काम करने के पीछे इरादे होते हैं ना, वही सब विदेश नीति कहलाती है। ठीक है, और इसी विदेश नीति का एक अंग है गुटनिरपेक्षता। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। अथक प्रयासों से मिली स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी अपनी संप्रभुता को बचाए रखने की थी। इसके अतिरिक्त भारत को तीव्र आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना था। करना था नहीं करना था, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का बताना। कौन सी अभी जो पढ़ी है वो? इसके अतिरिक्त भारत को तीव्र आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना था। तो बोलना। इसमें ना भारत ने लक्ष्य बनाए थे कि इसको आर्थिक विकास करना है, उसे रोजगार देना है अपने आप पर, और वो सब करना है। तो ना अब वो इन दोनों पुटों में वो भी नहीं होगा, इंक्लूड भी नहीं करेगा, तो वो अपनी जो इकोनॉमी है उसे कैसे आगे बढ़ाए। ठीक है, अच्छा था। सुनो भाई, इसके अतिरिक्त भारत के समक्ष क्या थी चुनौती थी, कि भारत को जो आर्थिक विकास है ना, उसके साथ साथ में सामाजिक विकास को भी लेके चलना है। ऐसे नहीं पैसे ही पैसे के चक्कर में रहे और बंदों में और ज़्यादा भेदभाव फैल जाए। अभी उन कुछ साल पहले ही देश आज़ाद हुआ है, वो भी मार काट की वजह से हुआ है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और हम केवल आर्थिक स्थिति अच्छी करने के चक्कर में रहे, सुंदर बहू लाने के चक्कर में रहे। फिर बहू सुंदर ही आएगी, रीली बनाएगी, और कुछ तो आता नहीं होगा उसे बनाना। खाने के नाम पे मैगी बना देगी और काम के नाम पे रील बनाना होगा, दिन भर कंटेंट तैयार करेगी और घर वाले हाय 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 करेंगे। क्या कुछ तो आप अलग बनाओगे। सुनो भाई, अतः इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति का प्रमुख अंग बनाया। कि हमें है ना, जो ये अपनी नीतियाँ बनानी है ना, वो ये सोच के बनानी है कि हमें विकास भी करना है ना, और क्या करना है, अपने समाज को में भी संतुलन रखना है। अगर हम केवल पैसा कमाने की होड़ में भागते हैं तो हम पूंजीवादियों की तरह भाग जाते ना, किसकी तरफ, अमेरिका के ग्रुप की तरह भाग जाते। पैसा तो मिलता है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेकिन जो हमारे टेक्नोलॉजी का क्या करोगे जब मन में ही गंद भरा है ना, समाज में ऊंच नीच है, हिंदू मुसलमान के पीछे लड़े जा रहे हो, 5G चला लो, 6G चला लो, उसमें भी गालियाँ भेजोगे व्हाट्सएप पे, तेरी माँ का, तेरी बहन का, है ना, यही होगा ना, होगा नहीं होगा। दूसरे को गाली बक दो, दूसरे की वीडियो बना के वायरल कर दो, इंटरनेट का भी क्या उपयोग करोगे, गलत से गलत उपयोग होगा ना। पैसे का उपयोग क्या होगा कि पड़ोसी को जलाओ, आज हम गाड़ी लेके आए, चलो पड़ोसी का आग लगा देते हैं, पड़ोसी का कलेजा जल जाए, है ना, समझ आ रहा है। टेक्नोलॉजी का काम क्या करेंगे, दूसरे को हैक करने के लिए करेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे। ठीक, तो ये तो मैंने बहुत बड़े उदाहरण दे दिए, नॉर्मल सी बात है कि हमें ना पहले इंसानों को बराबरी पर लाना पड़ेगा, बाद में बिल्डिंगें बना लो वो अलग बात है। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पैसे वाले खूब है, बिल्डिंगें है, कार है, मेट्रो सब है, और इंसान एक दूसरे को ऊंचा नीचा करते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, मैं कल इस बेंच को गंगा जल से धुलने लग जाऊँ, तो क्या फ़ायदा है विकास का? नमस्ते, कुछ फ़ायदा है इस विकास का बताओ, फ़ायदा है कुछ? नहीं ना। तो भारत को यही सारी चीज़ें देखनी थी, तो इसीलिए ना तो डायरेक्ट वो साम्यवाद की तरफ जा पाया सोवियत संघ की तरफ, ना तो डायरेक्ट पूंजीवाद की तरफ जा पाया, उसने संतुलन खेला, पिट्टोग्राम। ठीक है, बैलेंस। इस नीति के द्वारा भारत जहां शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमे तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठनों जैसे नाटो वारसा पैक्ट से भी अपने को दूर रख सका, वहीं आवश्यक पड़ने पर दोनों ही खेमों से आर्थिक और सामरिक सहायता भी प्राप्त कर सका। भारत ने क्या करा, भारत ने बड़ी समझदारी से क्या काम करा, एक तो नाटो किसके साथ था, नाटो किसका संगठन था, इधर यूएसए है, इधर यूएसएसआर है, ये साम्यवादी है और ये पूंजीवादी है, समझ आ रहा है।
इसका जो ग्रुप था ना वो वाला वो ग्रुप क्या था, नई दुनिया बोल रहे थे ना इसको, है ना। इसको तो अपने आप ही पुरानी बोलने लग गए थे, इसको बोलते नहीं थे, अपने आप ही नाम दे दिए पुराने, इसको नई दुनिया बोल रहे थे बस। जब क्योंकि ये नई तरीके से हमला कर रहा था, सब पे बातचीत बना रहा था, बदमाशी कर रहा था। अब देखो इसका जो था, इसने नाटो बनाया था। क्या नाटो? नाटो 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 सुना है, इन्हीं की वजह से गाया गया वो नाटो नाटो, ठीक है। और इसने क्या बनाया था? वारसा। इन्होंने बताया नाटो सीटो सेंटो, उसने बनाया वारसा। जब इनने नाटो बना लिया ना, एन ए टी ओ होगा नाटो, सॉरी भाई नाटा ले लिया मैंने तो, नाटा नाटो, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो अमेरिका यूएसए, उसके बगल में जो समुद्र पड़ता है, अटलांटिक पड़ता है ना, ये थोड़ा अटलांटिक समुद्र दिख रहा है ना, यहीं पे तो टाइटैनिक डूबा था, यहीं तो डूबा था टाइटैनिक, अमेरिका के पास। यहाँ से चला था ऐसे ऐसे चल चल के, ये ना अमेरिका यहाँ पहुँचने वाला था, यहाँ पे पहुँचने से 100 किलोमीटर पहले ही रह गया था शायद, डूब गया। बड़े बदमाश बनने थे, पहली बार चला था वो सिर्फ, जो उसका मालिक था ना वो बड़े चौड़े में था, पहली बार ही गया था वो सिप, पहली बार उस सिप पे उसका मालिक खुद भी था। हाँ तो उसने ही, उसका मालिक था कौन था उसका, उसको शायद वो था पायलट, हाँ पायलट तो होते ही हैं। तो उन्होंने कहा था ये सिप कभी नहीं डूब सकता, टाइटैनिक इज अनसिंकेबल, सिंकेबल मतलब होता है डूबने योग्य, अनसिंकेबल मतलब जिसको कभी नहीं डुबाया जा सकता। तो उसने काफ़ी चौड़े में बोला, यार घमंड तो भगवान का नहीं टिका तो इनका क्या टिकेगा, रावण का घमंड टिका तो ये छोटा सा टाइटैनिक क्या करेगा, डूब के यहाँ पहुँचने से पहले पहली बार में डूबा है सचो। जैसे तुम पहली बार ड्राइविंग पे जाओ और तीन बंदों को उड़ा दो गाड़ी से, वैसे हाल हुआ इसका सचो। कितनी बुरी बात है ना, कितनी बुरी तरीके से झंड हुई है। इसलिए बोला जाता है कभी है ना मरो, कभी एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, एटीट्यूड भगवान बहुत बुरी तरीके से तोड़ते हैं, समझ आए। किसी भी चीज़ का एटीट्यूड मत करो, डर लग गया ना अब से एटीट्यूड नहीं दिखाऊंगी, दिखाना भी नहीं। सुनो भाई, तो इसने नाटो बनाया, इसने वारसा बना लिया। अब तुम चार सहेली मिलके नाटो बना लो, तो चार सहेलियाँ तुम्हारी जो होंगी वो मिलके दूसरा ग्रुप नहीं बना लेगी, डार्लिंग ग्रुप्स, फाइव स्टार डार्लिंग ग्रुप्स और हैप्पी लेडीज ग्रुप्स, कुछ भी बना लो, है ना, फेरी टेल्स ग्रुप्स, निब्बी ग्रुप्स, कुछ भी लिख सकते हो तुम नाम। ऐसे इन्होंने ये ग्रुप बनाया, इसने इन्होंने ये, और ये दोनों क्या थे, सैनिक संगठन थे। सैनिक संगठन का मतलब ये युद्ध के उद्देश्य से ही बनाए गए थे, समझ आ रहा है। तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने दिमाग चलाया, इसके साथ भी नहीं मिलना ना इसके साथ भी, सिग्नेचर कहीं नहीं करेंगे, हाँ दोस्ती यारी सब से चलेगी, समझ आया। तो इस ग्रुप में भी नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला, दोनों से नहीं मिला, दोनों से ही फायदा ले रहे हैं। इससे भी हालचाल पूछ रहे हैं कैसे हो, उससे भी पूछ रहे हैं फ़ोन कटने के बाद कैसे हो, सही चल रहा है अपना, दोनों घर वाली भी बाहर वाली भी, समझ आ रहा है। इंडिया ने ज़्यादा दिमाग लगा लिया था। सुनो भाई, है सही दिमाग लगा है ना। सुनो, एशिया तथा अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के मध्य, एशिया तथा अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के मध्य भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण व विशिष्ट स्थिति की संभावना को भावते हुए भारत ने वी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थन किया। प्रबल समर्थन का क्या मतलब है, मतलब भारी भरकम समर्थन किया, फुल सपोर्ट में, ठीक है। और इसका क्या मतलब है वी औपनिवेशीकरण, कभी बताना हमको ओ बच्चे, हमको ये तो बता दो, ये तो बता दो, हिलाओ मत इसको प्लीज, हेलो बताओ जरा वी औपनिवेशीकरण क्या होता है। 12वीं क्लास के स्टूडेंट तो आई वॉन्ट नो फ्रॉम यू, डू यू नो वी औपनिवेशीकरण, डोंट यू नो, हे हिंदुस्तानी बच्चा, क्या क्या तेज बोलिए जरा, इधर आओ कैमरे बोलना है, बोलियो उपनिवेश, उसका उल्टा है। जैसे कि एक समय पे यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीका और एशिया के देशों को गुलाम बनाया था ना, इंडिया ने भी वो झेला है। तो इंडिया ने क्या सोचा, अब हम इसको उल्टा करेंगे, किसी ने हम पे कब्जा करा है तो हम क्या उल्टा कब्जा नहीं करेंगे, इस चीज़ को उल्टा करेंगे, उपनिवेशीकरण को ख़त्म करना है धीरे धीरे, खच 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 खा पूरा काट दो उपनिवेशीकरण को, समझ आ रहा है। उपनिवेशीकरण का मतलब होता है किसी दूसरे देशों पे कब्जा करना, समझ आ रहा है, ऐसे करके सबको बटोर लूँ, इधर भी सब मेरे पास आ जाए, है ना।
उपनिवेशीकरण का क्या है, मैं इतना, मेरे पास मेरा देश है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे हाथ फैला रहा हूँ, सब कुछ मेरे अंडर आते जाए, ऐसे 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ आ रहा है? उपनिवेशीकरण का क्या मतलब है? ऐसे ऐसे वापिस 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 हाथ सिकोड़ लो, सब सब आजाद, समझ आया है ना? तुम्हें यार कितनी मेहनत लगती है समझाने में, लेकिन आई लाइक दैट मेहनत, ठीक है? सुनो भाई, समझ आया नहीं आया ये बता दो, ठीक है? पता नहीं यार, मिल नहीं रहा वो अच्छा वाला पर। सुनो, इसी कड़ी में 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुक में एशियाई एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। एफ्रो एशिया सम्मेलन का क्या मतलब है बताओ यार, भले है हाँ वही एफ्रो एशिया लिखा है, मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम सही समझ नहीं पा रहे हो बस, समझ आ रहा है? तो यार सुनो, ये अफ्रीका, ये अफ्रीका है ना, और ये क्या है, ये इंडिया थोड़ा बड़ा नहीं हो गया? अरे यार ये एशिया मान लो, ठीक, जो अफ्रीका और एशिया के कंबाइन देश थे ना, उनको एफ्रो एशिया बोलते हैं, समझ आया? ऐसा मत बोलना भैया आपने तो इंडिया को शामिल ही नहीं करा, मैंने चित्र बनाया अपने हिसाब से, अच्छा बना लेना, बना पाओ तो, ठीक है? एफ्रो एशिया का क्या मतलब है, अफ्रीका और एशिया के देश जो मिलके थे। अच्छा, कुछ तो सीक्रेट चल रहा है अंदर, तब तुम दोनों में चल रहा है? अच्छा, फिर क्या हो रहा है, दुबके दुबके विद्या के मंदिर में पाप की घंटियां बजा रहे हो? अच्छा, आधार कार्ड है क्या, वो तो सच्चाई दिखाता है। सुनो, 1955 में क्या हुआ, इंडोनेशिया के शहर बांडुक में, इंडोनेशिया किस में, अबे इंडोनेशिया में बांडुक है, हाँ, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ इस आंदोलन को औपचारिक प्रारंभ हुआ। वर्तमान में समय में इस आंदोलन में तृतीय विश्व में के 120 देश हैं, ठीक है? 4 मई 2020 को अजरबैजान की अध्यक्षता में गुटनिरपेक्ष समूह के देशों का एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित हुआ। अब वर्चुअल का क्या मतलब है, ऑनलाइन हुआ, क्यों, कोरोना चल रहा था भाई, मतलब कोरोना आने वाला था तो वर्चुअल काम होने लग गया, ठीक है? अपडेट हो गए ना बंदे बार आंदोलन, अरे सम्मेलन जो मीटिंग करते नहीं है, चाय और नमकीन खाने आ जाते हैं कि चलो, ठीक। इसमें COVID-19 को मानवता का सबसे बड़ा खतरा बताया गया। आतंकवाद और फेक न्यूज जैसे मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की गई। फेक न्यूज का मतलब क्या, ये तो गलत बोला तुमने, वो कौन सी भाभी आई है वहां से, पाकिस्तान से, सीमा हैदर ने बताया सच, किस बात पे पटी थी, फिर सारे बंदे पूछ के देख रहे हैं क्या लाइन बोली थी जो पटी थी। हाँ, अंजू का सच, पाकिस्तान में फैलाया प्यार का जाल, तो ये सारी क्या है, मनगणत फालतू की न्यूज है, वो बेचारी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, उसको फालतू में लगाया जा रहा है। सीमा ने ली छीक, सीमा ने ली सांस, सीमा ने पहनी साड़ी, सीमा ने उड़ाया पल्लू, सीमा ने बांधे बाल, हे भगवान, सीमा के पास निकले सीमा का पूरा नाम हुआ सीमा हैदर, ओ बवाल है भाई। अभी फिर हम उसके लिए है वो बना रहे हैं, क्या नाम है, गदर 2 अभी बताएंगे पाकिस्तानियों को, लो देखो गदर 2 एक ही बनना, इस बार दोबारा से बूढ़े को भेजेंगे और तुम्हारा नलके के साथ में इस बार नए पानी की पाइप भी उखाड़ेगा क्या, इस बार नलका नहीं उखाड़ेगा, और नलका तो उनने पहले उखाड़ेगी, आरओ उखाड़ेगा, आरओ आरओ लगवाया ना इस बार वहाँ पे, जिन्ना के वहाँ पे आरओ लगा इस बार, तो बड़ा वाला आरओ है, होता नहीं है मीठा पानी के लिए, 5 रुपये डालो तो 1 लीटर पानी आता है, तो वो उखाड़ेगा, धक्का मारेगा उसको सन्नी देवल, ठीक है? सुनो, भारत अमेरिकी संबंध पे आ जाओ, तो ये समझे गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अगर तुम्हें कोई आके प्यार से पूछे कि भैया दीदी गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, देख क्या बोलोगे, देखो सीधी सी बात ये है, ठीक है, कि 1955 में एशिया और अफ्रीका के जो 9 स्वतंत्र देश थे, उन्होंने दुनिया भर की भसड़ से बच, ऐसे भसड़ तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं बोल लिखना, बोल देना कोई दिक्कत नहीं है, भगदड़, हाँ ये भी हो सकता है, दुनिया भर के जाल फरेब से बचने के लिए और लालची बड़े देशों की निगाहों से बचने के लिए
क्या करा, नौ स्वतंत्र देशों ने मिलकर क्या करा, कुछ देशों ने एक एक विचार की नींव रखी जिसे बोला गया गुटनिरपेक्ष, जिसका मतलब था दोनों ही शक्तिशाली ग्रुपों में ना जाना और अकेले रहकर स्वतंत्र क्या करना, रहना और विकास करना। 1955 में इसकी नींव रखी गई। यही बढ़ बढ़ के 1961 में क्या हुआ, इसको औपचारिक रूप से मोहर लगा के इसको क्या बना दिया गया, लीगल, समझ आया। और 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मतलब लीगल बना दिया गया और इसमें पांच देश शामिल हुए, है ना, इंडोनेशिया, अच्छा फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये दक्षिण के मारूंगा झापड़ फेंक के, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र और यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया था जिसके जोसेफ ब्रास टीटो थे, है कि नहीं है, और भारत, हमको तेरे बिना ना ना ना, जल रहा है एक बार सुन के, ये बाहर इधर उधर आ रही है तो कहीं सच में कुछ जल रहा हो, अभी आग लग जाए यार, मेरा नुकसान हो जाए, हाय भगवान, जल्दी जा जल्दी देख क्या, अरे क्या यार, तुम्हें जागरूक होना चाहिए, आगे पीछे बाहर देख के ना, भाभी तो नहीं जल्दी है तरक्की से भाई आगे चलते हैं। हाँ, भारत और अमेरिका के संबंध पढ़ लेते हैं थोड़े, देखो संबंधों को तो पढ़ना चाहिए, तू बाहर तक देख के नहीं आई है, तू जीना भी नहीं, एक बार देखिए ना बाहर, कहीं पता बाहर से पहले गेट के बीच उच में कुछ जला कुछ फेंक गया हो, फिर मेरे पे केस लग जाए कि तुमने अंदर कुछ जला दिया। सुनो भाई, भारत और अमेरिका के संबंध, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों को के कारण अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गए, क्या हो गया, गली से आ रही है, गली में बहुत लोग जल रहे हैं, अब क्या बोलूं यार, पहले से ही हूं मैं तो ऐसा, जलते हैं लोग। सुनो भाई, भारत और अमेरिका के संबंधों क्या बता रहा है, भारत ने जब है ना 1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति, देखो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने क्या करा, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, उसका दूसरे दुनिया के अंदर है ना संबंध बनाने जरूरी हो गए। जब इंस्टा पे आईडी बनेगी तो मैसेज तो आएंगे ही ना, नहीं समझ आया, अरे यार कितने भोले हो यार, वट यू मीन बाई दैट यार, सुनो मतलब हम इंस्टा और फेसबुक पे आईडी बनाएंगे तो लोगों के संपर्क में तो आएंगे ना, कोई तो देखेगा ना, चलो लेट चेक इट, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो या मैसेज भेज दो, आप बड़े सुंदर लग रहे हो, ऐसे जब इंडिया दुनिया के सामने आएगा अपनी फोटो लेके कि देखो मैंने इंस्टा पे आईडी बना ली है, तो अमेरिका जैसे लौंडे नज़र तो मारेंगे ही ना, है तो इन्होंने यही काम करा, इन्होंने चील वाली निगाहें लेके ची ची हमारे पीछे दौड़ने लग गए, समझ आए, लेकिन हम भी चतुर थे, हमें बचना था, लेकिन क्या करें यार, अब बारिश आएगी तो हल्का फुल्का तो हम भी भीगेंगे आप भी भीगोगे, तो ये वाला काम हुआ भारत का, ठीक है। सुनो, आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ये झूठ बात नहीं है, सच्ची बात है कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत व्यापार होता है, हम अमेरिका को सस्ते लेबर देते हैं, अमेरिका हमारे अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा बाजार देखता है, अमेरिका का आईफोन, अमेरिका के फ़ोन, अमेरिका के लैपटॉप्स, अमेरिका का इंटरनेट, अमेरिका की तकनीक, अमेरिका के कंप्यूटर, अमेरिका पूरा आईटी विभाग, जितना भी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है अधिकतर अमेरिका से ही प्रोत्साहित है, ये जो बड़े बड़े कॉल सेंटर है, ये बड़े बड़े ऑफिसिस है, एमएनसीज कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ये कहाँ से आ रही हैं, अमेरिका से ही तो आ रही हैं, इंडिया में आती हैं सस्ते लेबर के चक्कर में, यहाँ रुक जाती हैं, अमेरिका में किसी भी जो कॉल सेंटर पे लोग बैठते हैं उनको सैलरी देते हैं 60,000-70,000, इंडिया में किसी बारी पास लड़की को पकड़ो दो क्या बोलते 12-13,000 में, वो हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ, चालू हो जाता है काम, है ना, ये हकीकत है, क्या कॉल सेंटर में कॉल करनी होती है, पानी देना, बद्दुआ दूंगा तेरे को मैं, कॉल करनी, कॉल सेंटर में कॉल करनी है, आपकी कंपनी जिस हिसाब की है ना, आपको कंपनी वाले वो टारगेट देंगे कि ये कॉल करके आप बात करें, अब जो भी बेचना हो आपको, दवाई बेचनी है दवाई, आईडेक्स बेचना है तो आईडेक्स, किसी ने लोन ले लिया वो पैसे नहीं दे रहा है, हाँ तो लोन वाले भी करती हैं, लोन की वसूली वाली तो बहुत छपरी होती है, गालियां बकती है लोन के फोन करके, मेरा मामा भी है ना बोलते हैं अच्छे से झाड़ के, अरे उनके वो लोन वाली बड़ी खतरनाक होती है, गालियां बकती हैं सीधे, उनको डराना तो बस ये बोला तेरे थाने में फ़ोन लगाया है तूने, अभी आ रहे हैं रुक जा सर्वेलेंस पे, तेरा फ़ोन तुरंत काट देंगे, और तुम कितना ही बोलो कि गाली मत बको गाली बकेंगे लोन वाले, उनको टारगेट यही होता है,
वो बड़ी कंपनियों के नहीं होते, छोटे मोटे लफंगे होते हैं ना, वो पैसा वसूली करते हैं, वो वाले होते हैं। बड़ी कंपनियाँ ऐसे गंदे काम नहीं करती, वो सीधा मर्डर करती है, गाली गलौज वाले काम नहीं होते उनके। समझ आया? एक खुफिया बात थी, यहीं दबा देना, ठीक है? अरे सच्ची बता रहा हूँ, बाहर नहीं जानी चाहिए वाली बात, ठीक है? आग फाड़ के देख रही है, पता नहीं क्या बोल दिया। सुनो, अमेरिका के विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा भारत से संबंध प्रागण करने हेतु भारत की यात्रा। अमेरिका के लोग आते नहीं रहते भारत? भारत से मोदी जी आते हैं, हाउडी मोडी करते हैं वहाँ पे, और वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं भारत में, मिस्टर नरेंद्र मोदी। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप आए थे, सुना था तुमने? जो बाइडेन आया था, अब तो जो बाइडेन है ना, जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप आया था इंडिया, वो राष्ट्रपति नहीं, इंडिया गेट पे खड़े होके बोला था मिस्टर नरेंद्र मोदी। हाँ, फिर मोदी जी ने भी कहा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, हकीकत में तुम भाषण सुनना, कभी भाषण सुनना तुम्हें बहुत हंसी आएगी। मोदी जी ने जानबूझ, अरे तुम देखना वीडियो, चिढ़ाने के लिए मोदी ने भी ऐसे कहा है, वो वीडियो वायरल हो गई थी। अंग्रेज को क्या समझ आना हमारे भारत वाले, तो मजा आ गया, अब लिया तुमने बदला आराम ज्यादा से। एडिट नहीं करी यार वो, तभी देखी थी मैंने, आज से 4 साल पहले की बात है वो। जो बाइडेन आ गया है ना अब तो यार, 2-2.5 साल तो जो बाइडेन को हो गए हैं, बुढ़े को आए हुए, वो भी बुढ़ा था, मेलानिया ट्रंप का पति। सुनो, अमेरिका में बसे प्रवासी भारतीयों का खासकर सिलिकॉन वैली में प्रभाव। आज के टाइम में अमेरिका की सिलिकॉन वैली पता है क्या है? अमेरिका का क्या बोलते हैं, हार्डकोर दिल है उसको, एक तरीके से बोलोगे अमेरिका पूरा फंक्शन वहाँ से कर रहा है। सिलिकॉन वैली का मतलब क्या है? सिलिकॉन जानते हो क्या होती है? सिलिकॉन एक होता है खनिज, मेटल होता है। जितनी भी तुम मेमोरी चिप सर्किट सुनते हो, फ़ोन के अंदर आईसी होती है, मेमोरी होती है, जितनी भी ये सारी चीज़ें बनी होती है ना, सर्किट और जितने भी सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक, वो बिना ना सिलिकॉन चिप के नहीं चलते। तुम मेमोरी कार्ड देख लो, काला काला सा दिखता है ना, छोटा सा है ना, कभी भी तुम कोई भी इलेक्ट्रिकल तुम चीज़ उठाओगे ना, इंस्ट्रूमेंट, और लड़कियाँ थोड़ी इन सब कामों में पिछड़ी होती है, उन्हें कुछ पता नहीं होता, ये सच्ची बात है भाई, बुरा मत मानना। तुमने कभी देखा है सर्किट, देखा है कभी? अरे मेमोरी तो देखी होगी, मेमोरी देख ली, कौन सा बड़ा काम कर दिया। आईसी देखी है? हाँ। कैसी होती है? डोलन तो होती नहीं है, वो तो काली काली होती है, अभी बता रहा हूँ, काली काली होती है, पर साइड साइड में ऐसे गोल्डन सा होता है। क्या वो देखा है, बिच्छू बिच्छू की तरह पैर निकल ले उससे, उसके इधर उधर से। अरे ऐसी होती है यार, हमको तेरे बिना जीना तो सिखा दे, मेमोरी कार्ड गएगा। हाँ तो बोलो ना, ऐसे ही कह रही हूँ मैं बताऊंगा तब। गोल्डन ही होता है, गोल्डन। अच्छा गोल्डन ही कलर का मिलेगा, मैं मारे से मत लड़ना पद्मावती। सुनो देखो, तो जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली है ना, पता है उसको सिलिकॉन वैली ऐसे ही कही जा रहा है, ठीक है? क्योंकि है ना वहाँ पे ना आईटी है ना बहुत बढ़ चढ़ के, वहाँ पे तुम्हें जितनी भी दुनिया की कंपनियाँ है ना बड़ी बड़ी, सबके है ना ऑफिस वहीं मिलेंगे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो भी है, सबके CEO वहाँ पे ऑफिस तुम्हें वहीं मिलेंगे, सारी बड़ी बड़ी कंपनी हो गए। और वहाँ पे हमारा प्रभाव पता है कैसे है? वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ना, वहाँ पे हमारे बंदे हैं, वहाँ पे CEO, गूगल का CEO है, सारे इंडिया, सारे नहीं है लेकिन अधिकतर इंडिया के, जो बड़े बड़े लेवल पे वो इंडिया के बंदे हैं। सुंदर पिचाई हो गया, सुना है सुंदर पिचाई? हाँ। गूगल का CEO है ना, है ना, सुना है ना? सुना है, सही है, सुना है तो। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट नहीं जानते, वो 4 डब्बे बन के आते हैं कंप्यूटर वाला। हाँ। टेन टेन ऐसे करके, ऐसे 4 डब्बे होते हैं, मतलब ऐसे ही, क्या ऐसे बना देता हूँ, प्रचार आता है टिन टिन इंटेल कोर प्रोसेसर, ऐसे करके प्रचार आता है, लैपटॉप खुलता है टिन टिन इंटेल कोर प्रोसेसर, जैसे ही बोलता हूँ। सुनो, सामरिक महत्व के भारत अमेरिका आसन्न परमाणु समझौते का संपन्न होना, और अमेरिका और भारत के बीच में परमाणु समझौते भी हुए हैं कि ऐसे ऐसे नहीं फोड़ेंगे, ऐसे ऐसे संभाल के मतलब तैयारी करेंगे, ठीक है? और बराक ओबामा की 2015 की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सौदे से संबंधित समझौता का नवीनीकरण किया गया, तथा कई क्षेत्रों में भारत को ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई। 2015 में कौन आए थे? बराक ओबामा। कौन आए थे? बराक ओबामा। अब बेचारे कोई कंपनी में काम कर रहे हूँ,
तो हमारे यहाँ एक बार विधायक बन जाओ तो सात पुस्तक खाती है बैठ के, वहाँ पे राष्ट्रपति बना था तब भी आज काम कर रहा है वो, सोचो। बराक ओबामा कौन थे? बहुत दुख हुआ, हम दुखा है यहाँ दुखा है। बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के। अच्छा तुम उस समय हॉर्लिक्स पी रहे थे ना, तो तुम छोटे हो गए, छोड़ो। हाँ तो फिर बता ही देते कौन थे ये इनके बारे में मैंने पढ़ा भी है। तो बराक ओबामा राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, ठीक है, बड़े अच्छे राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है। सुनो, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, नहीं यार अभी तो वो कौन है, जो बाइडेन है, अभी जो बाइडेन नाम है उसका, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की क्या है, आउटसोर्सिंग संबंधी नीतियों से भारत के व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना है। क्या तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग संबंधी नीति से भारत के व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना है? इसकी कोई नीति है उससे क्या है, भारत के जो संबंध है ना व्यापार के, वो शायद प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में विभिन्न वैश्विक मंचों पर अमेरिका राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकातों तथा वार्ताओं को दोनों देशों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सैन्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सकारात्मक संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। समय समय पे जो हर साल दो साल तीन साल में अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं भारत के अमेरिका के नेता लोग, तो इससे क्या हो रहा है, भारत और अमेरिका के संबंध शायद अच्छे बन रहे हैं, समझ आ रहा है, कुछ गिला शिकवा दूर हो रहा है, अच्छे साथ में मिल रहे हैं, बैठ रहे, मिठाई खिला रहे, रिश्ता बढ़ रहा है, समझ आ रहा है, चाय नमकीन सब चल रहा है, समझ आया, इनके चक्कर में शुगर बढ़ गया उन लोगों का, हर बार मिलने चले जाते हैं मिठाई खाने, अच्छी बात है, संबंध तो बढ़ने चाहिए ना, ठीक। सुनो, भारत और रूस के संबंध आ जाओ, ये तो तुम्हें पढ़ने चाहिए, भारत और रूस के संबंध, पुराना दोस्त रहा अपना दिल भर रूस, ठीक है। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ विशेष रूप से प्रांगण है, मतलब सबसे हम हाथ मिलाते हैं तो रूस से गला मिलते हैं, आओ भाई ऐसे मजा नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, अगर सारे बंदे खड़े लाइन में उनसे हाथ मिला रहे हैं तो रूस से गले मिलेंगे, आ जा भाई तू मेन भाई है अपना, तिल्ले जान दे देंगे, समझ आया, ये वाला अभी बताऊंगा क्या सिस्टम है, ठीक है। दोनों का सपना विश्व ध्रुवीय बहुध्रुवीय विश्व का है, दोनों ही क्या सोचते हैं, अरे ये तो क्या है, बहाना है यार, बाकी अपना नाम बढ़ाना है यार, समझ आया, अरे बोलने की बात है, बहुध्रुवीय विश्व, बात क्या है, अमेरिका की पावर को कम करना है, समझ आ रहा है, और रसिया तो चाहता ही है उसकी पावर बढ़े, लेकिन अब अकेले ही बोलेगा कि मेरी पावर बढ़े तो लोग नहीं बढ़ने देंगे ना, अब वो ऐसे बोलेगा नहीं मेरे को तो अब देश दुनियादारी के लिए कुछ करना है, चलो अमेरिका की पावर कम करते हैं, तो अमेरिका की कम करेंगे तो उसकी तो बढ़ेगी ना, ये तरीका होता है कि ना करके भी कैसे हाँ करना है, ये सिस्टम है, नहीं 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 फिर ये सर पे रॉड पड़ जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है। सुनो भाई, ओ सॉरी भाई डराने के लिए मैंने गलत बातें बोल दी, सुनो, दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता, विदेशी नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र के संघ की सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, कौन से दोनों देश, भारत और रसिया, ये वाली लाइन में जितने भी शब्द लिखे ना उनमें से जो ना आए वो पूछना जरा मेरे से, क्योंकि बहुत सारे लिखे हैं, मैं दोबारा से नहीं बोलना चाहता इनको, मेरे को खतरा फील होता है बोलने, बोलो भाई पूछना है, क्या सह अस्तित्व का मतलब होता है दोनों का साथ साथ अस्तित्व, ठीक है, मैं तेरी इज्जत करूंगा तू मेरी इज्जत कर, समझ आ रहा है ना, मैं जो बोलूंगा वो रहेगा, ऐसा नहीं मेरा कुत्ता तो कुत्ता नहीं, मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी, ये वाली बात नहीं चलेगी, समझ आ गया, मैं भूरे बाल कराऊं तो कुत्ता, तू भूरे बाल कराओ तो हीरोइन, समझ आया, ये वाले ये बोल रहा था, यहाँ पे भूरे बाल थे ना लोगों के, रसिया वो तो तुम जानते हो रसिया, रसियन लोग कैसे होते हैं, क्या इंडिया के लोग करा लेते, वहाँ के तो जेनेटिक है यार, वो करवाते थोड़ी है, हाँ वहाँ नीले करवा लेते हैं वो जानबूझ के, भूरे तो उनके ओरिजिनल ही होते हैं, समझ आ रहे हैं, अधिकतर के भूरे होते हैं, हाँ उनके जेनेटिक है, वैसे जेनेटिकली है वो, हमारे यहाँ काले, हमारे जबरदस्ती भूरे करवा रहे हैं, बताओ हैं,
हंसते हंसते हाँ हाँ उनकी उनकी स्किन वाइट होती है ना, तो हंसते हैं तो रंग जल्दी दिखता है। हाँ तुम्हारी स्किन ऐसी है, तुम्हारे पे लाल कलर पता ही नहीं लगेगा जल्दी। गोरे बंदों पे जल्दी पता लगता है ना, चाटा पड़ते एकदम निशान छप जाता है। सांवले टोन के और इंडिया के जो टोन है, इस मतलब कलर है इंडिया की पिच है जो स्किन की, उस पर नहीं पता लगती जल्दी, है ना। हैं तो ठीक ही हो, कोई ख़राब थोड़ी होता है, सबको सबको कहीं ना कहीं पैदा होना है। अब तुम ऐसे बोलोगे तो अफ्रीका वाले कैसे जिएंगे भाई? हैं अफ्रीका वाले कैसे जिएंगे जो अंधेरे में बल्ब लेके घूमते हैं? समझ आ रहा है? अरे ये तो हमारा जेनेटिक है, इसको थोड़ी है, इसमें दिक्कत ही क्या है यार। काले पीले नीले हरी संतरी बैंगनी इंसान है, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कोई लंबा कोई चौड़ा कोई नाटा कोई गाटा, समझ आ रहा है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अफ्रीका के सारे वैसे मिलेंगे, हमारे यहाँ के ऐसे रंग बिरंगे मिलेंगे, ऊपर वाले सारे भूरे मिलेंगे। हमारे इंडिया में पता नहीं क्या मिक्सी चला दिया, सब मिक्स पैदा हो रहे हैं इधर उधर। हाँ कोई भी कुछ भी पैदा हो रहा है, भूरा काला नीला पीला हरा बैंगनी सब कुछ। सुनो भाई यहाँ देखो, इंडिया सुदृढ़ीकरण कहाँ लिखा है? अच्छा संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भी बहुत सारी खामियां है ना, खामियां है कि नहीं है? खामियां है कि यूएनओ में बड़े देशों की बात मानी जाती है, नए देशों को भी वीटो नहीं दे रहे हैं, मतलब गरीब देशों का थोड़ा पिछड़ा बोलते हैं, है, है, चलो पीछे लाइन में लगो, है ना, सब्जी लेने के लिए उनको पीछे लगा देते हैं गरीब देशों को, कलछी मारते हैं वो सब्जी के ऊपर गिरते हैं, तो समझ आ रहा है? अमीर देशों को बैठा के खिलाते हैं, बफर सिस्टम चल रहा है, अमीर देशों का यहाँ पे नैपकिन लगा देते हैं और वो ऐसे ऐसे जाके ऐसे चला देते हैं, गरीब देश पे बेचारे लाइन में लगे भंडारे वाली में, वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे डोले डोंगे में कूद जाते हैं गरम गरम सब्जी के, अंडी अंडी दो बूढ़ी दे दो, तो उनमें बहुत दिक्कत होती है यार गरीब देशों के साथ। तो यही जो भेदभाव है ना यूएनओ का, उसको दूर करना, मतलब सुदृढ़ीकरण करना। सुदृढ़ीकरण का मतलब है साफ सफाई करके अच्छा करना। जैसे तुम में अभी कुछ बुरी बातें हैं कि नहीं है? अच्छा मान लो है, ठीक है, मतलब मान लो मेरे अंदर है, नहीं तुम गाली दोगे भी। हाँ अच्छा मेरे अंदर बुरी बातें हैं, मैं उसको सही करूँगा तो सुदृढ़ीकरण कर रहा हूँ अपना, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सुधार, ठीक समझ आया? तो ये दोनों देश मिलके हमें इंडिया और भारत माता और रसिया माता और रसिया खामखा बोलती है यहाँ की लड़कियाँ भारत में औरतों की इज्जत नहीं है, भारत अकेली ही माता कहला रही है। इंडोनेशिया माता सुना है कभी? जकार्ता माता सुना है कभी? अमेरिका माता सुना है कभी? पाकिस्तान माता सुना है कभी? ईरान माता सुना है कभी? दुबई माता सुना है कभी? भारत माता बचपन से सुन रहे हो ना? इंडिया में ललितियों की इज्जत नहीं है, और कितनी चाहिए? भारत का सबसे बड़ी चीज़ तो तुम्हें दे दी यार, भारत पिता सुन रहे हो कहीं? भारत पिता, हम भारत पिता के बच्चे हैं, हम भारत माता के बच्चे हैं। देखो हमारे यहाँ औरतों को सर आँखों पे रखा जाता है, फिर वही आँख में धूल झोंक देती है। हाँ कि जब सर आँखों पे रखोगे तो भारी होती है ना, तो ऐसे करके आगे बंद हो जाती है, इतना वेट नहीं उठा पाता सब आदमी। सुनो भाई 2001 में भारत, देखो ये इंडिया, बीच में नेपाल, नेपाल के ऊपर तिब्बत, तिब्बत तिब्बत को कौन खा गया? भूखा भूखा चाइना, चाइना में साले में इतना भूखा है तिब्बत को खा गया। चाइना के बाद मंगोलिया है ना, मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर रसिया, दिख रहा है आपको आपकी आंखों से? थोड़ी आके ऐसे खोलो और देखो, बड़े अच्छे से दिखेगा। सहदार पुण्य देखिए, सहदार पुण्य मतलब प्यार से, समझ आया? कोई प्रॉब्लम, इसीलिए नक्शा रखना होता है सामने कि जैसी बात करे टच से आके पहुंचो उस पर, हाँ ये है मैटर, समझ आया? इससे क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना वो अनकॉन्शियस के साथ गोते मारता है और हमारे को चीज़ें याद होने लग जाती है रोज़ रोज़ देख के, समझ आया क्या? हाँ इसीलिए अभी कई सारी चीज़ें तुम्हें पता लगी, नहीं तो पहले आए थे नहीं, ये नहीं पता था कि अमेरिका का व्हाट इज दिस यार भैया, तिब्बत को वो दिखाई जा रहा स्वतंत्र रूप में, नहीं इंटरनेशनल मैप में नहीं दिखाते ना। अरे यार ये इंटरनेशनल पॉलिसीज है ना, जैसे हम तिब्बत को दिखाने लग गए ना, जैसे तिब्बत को हमने मान लो, अच्छा हम तिब्बत को क्यों नहीं दिखा रहे बताओ? अगर तिब्बत को हमने स्वतंत्र दिखा दिया ना,
तो अभी क्या, हमने कई साल से तिब्बत को स्वतंत्र दिखाया नहीं है, हमने हमारा भी वर्ल्ड, देखो हर देश है ना वर्ल्ड मैप निकालता है, जारी करता है। जैसे तुम देखोगे ना अमेरिका का इंटरनेशनल वर्ल्ड मैप, अमेरिका का वर्ल्ड मैप क्या देखना है, जो गूगल है ना उसका, उसके अंदर है ना सैटेलाइट चालू कर लो, उसके अंदर तुम्हें ना जो वो है ना POK पाकिस्तान में दिखाएगा तुम्हें, इंडिया में इतना हिस्सा ही नहीं दिखाएगा, जो इंडिया का सर नहीं है ऐसे इतना कटा हुआ दिखाएगा इंडिया का, क्यों, अमेरिका का है ना गूगल, और हम उस पर अपवाद उठा ही नहीं रहे पता नहीं क्यों, भिगमंगे हैं ना। सुनो समझ आ रहा है, अगर हमने गलती से तिब्बत का करा ना तो चाइना पता ही क्या करे, चाइना अपने मैप में है ना हमको हमारे यहाँ से अक्साई चीन और पाकिस्तान का सपोर्ट दे देगा उसको कश्मीर के लिए, पाकिस्तान को कश्मीर दिखा देगा वो हमें, वो चाइना, सबके पास अपने अपने होते हैं ना पावर मैप बनाने के, हमारा मैप हम अपनी तरह से बना सकते हैं ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल बातों जब जाता है ना तो बहस होती है वहाँ पे कि तुमने ऐसा क्यों करा है, तुमने ऐसा क्यों किया, समझ आ रहा है, हम जब हम पावरफुल होंगे ना बहुत अच्छे लेवल पे तब हम करेंगे काम, देखना तब किसी से डरेंगे नहीं ना, अभी डर रहे हैं हकीकत बात है, हम बोलते हैं हम बहुत तगड़े हैं, हम डर रहे हैं अभी भी हकीकत बात है, अगर डरते नहीं ना कल अभी कब्जा हो गया था चंगू पंगू पे हमारा, और क्या फिर मोमोज फ्री में बनवा रहे थे हम मारपीट के, सिक्किम में क्यों करना है भाई, नेपाल में से तो वैसी दोस्ती होने वाली है, बादल बरसो पानी साबन का पानी, तो नेपाल से दोस्ती वैसी होने वाली है, तो यहाँ से हो जाएगी, नेपाल वालों के दामाद बन जाएंगे हम सारे तो हो जाएगी ना सारी बातें हो जाएंगी, नेपाल वैसे भी हिंदू राष्ट्र है ठीक। और 2001 में भारत तथा रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते हुए 80 चीज़ों पे दोनों ने हस्ताक्षर किए, ये 80 चीज़ें मग करेंगे ठीक है, और भारत रूस से हथियारों का खरीदार है, भारत रूस से क्या खरीद रहा है, हथियार भर भर के, और रूस से तेल का आयात करता है भारत, अभी रूस से तेल खरीद रहा है भारत, और मैंने अभी भी तुम्हें बताया था कि जब यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है तो यूरोप के देश रशिया से तेल नहीं खरीद रहे, तो भारत आया दो हम खरीदते हैं तुमसे तेल, भारत को सस्ते में मिल रहा है, भारत खरीद रहा है तेल उससे भर भर के, अभी अभी का टाइम बता रहा हूँ, अभी न्यूज़ देखते हो मत देखना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना ठीक है, न्यूज़ देखोगे तो तुम सीमा हैदर ही देखोगे पूरे दिन, नहीं भागने वाले होगी तुम भी भाग जाओगे भैया, तो फालतू के चैनल क्यों सब्सक्राइब किए हैं, नहीं ओह देवी मैं तेरे को एक बात बताऊं, जो हम देखते हैं ना उसी हिसाब की नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो मम्मी वही देखती होंगी ना, दिन भर सीमा हैदर भागी, सीमा हैदर का बच्चा होने वाला है, सीमा हैदर के पेट में दर्द, दुनिया भर का ड्रामा, मम्मी कहाँ इतना दिमाग चला पाएंगी यार पॉलिटिक्स के अंदर, मम्मी बेचारी कमाने जा रही है वो उतने दिमाग चलाएंगी, समझ आ रहा है, तुम्हें चलाना है ना दिमाग कि क्या न्यूज़ तुम्हें पागल बनाने के लिए 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो तुम्हें कैसे भड़काया जाए हिंदू मुसलमान के लिए, और तुम दोबारा से LPG सिलेंडर के दाम भूल जाओ और तुम वोट दे दो दोबारा से, तुम्हें चुनाव के वक्त फील ही ना हो कि सिलेंडर महंगा है, तुम्हें लगे हाँ कोई दिक्कत नहीं गैस तो फ्री है, समझ आ रहा है ठीक। हाँ मैंने अपने सामने मैंने सिलेंडर है ना 417 का लिया है, 417 का, 450 का सब लिया है, अरे मुझे पता है मैंने अपने सामने लिया है, 65 रुपये लीटर मेरे सामने तेल भरवाया, मतलब मैं गाड़ी नहीं चला पाता था, सब टांगे नहीं पहुंचती थी, लेकिन पता है तो ए, अब है 100 106 ऐसे ही चलता है, 100 हो जाता है 106 हो जाता है, 102 तो अभी भरवा के आया हूँ 5-6 दिन पहले, चलता रहता है, तुम जानते ही हो यार अमीर है देश हमारा, भर दो जितना भर पाओ। तुमने वो आजादपुर में एक आदमी की वीडियो वायरल हुई वो देखी, सब्जी मंडी वाले की, ग्रुप में ही भेजी थी, क्यों नहीं देखते, उस बंदे की वीडियो देखो वो रो रहा है, उससे पूछा जा रहा है ना कि क्या मतलब घर का खर्चा चल पा रहा है, तो बंदा रो रहा है कैमरे के आगे कि मेरे तो घर का मैं तो रोज़ इतना खरीद भी नहीं पा रहा सामान कि बेच पाऊँ, सब्जी बेचने वाला वो आदमी है, बोल रहा कि इतनी महंगी सब्जी हो गई है, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं इतनी महंगी सब्जी खरीदता तो उससे अच्छा मैं अमीर नहीं हो जाता, तो बोला मेरे पास सब्जी बेचने के लिए खरीद नहीं पा रहा हूँ मैं, खाने के लिए कैसे खरीदूँगा, किराएदार है वो, मतलब अधिक किराएदारों की तो ज़्यादा मिट्टी पलीत है, है ना, किराए के बाद किराए पे कौन कौन है तुम में से, खुद का मकान है फीस बढ़ेगी सुनो भाई, किराया नहीं किराएदारों की दिक्कत ज़्यादा है, क्यों क्या पहले तो किराए भी निकालो, बिजली का बिल, आप भी किराए पे हो, खुद का है नहीं, है किराएदारों की दिक्कत, और दिल्ली में बिहार UP राजस्थान के ही लोग अधिकतर है किराएदार, है ना,
किराएदार चले दिल्ली से, अगर मजदूर निकल गए ना दिल्ली नंगी हो जाएगी, सच्ची बता रहा हूँ। ये जो ये बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, अपने आपको पापा बोलते हैं बैठ के, अपने आपको बहुत सेंसा समझ रहे हैं। दिल्ली दिल्ली चलाई लेबर रहा है यार, तुम रोड पे देखो लेबर, फल वाले, सब्जी वाले, जूते हो, सब तुम्हें वही दिखेंगे, मजदूरी दिखेंगे। मालिक तो गिनती गया मंदे, जो बड़ी बड़ी दुकान लेके बैठा उसमें भी मालिक कौन, लेबर ही तो काम कर रहा है दुकान के अंदर, बड़ी बड़ी दुकानों में लेबर ही काम कर रहे हैं। ये समझते नहीं है लेबर का दर्द। भाई मैं तो ये कहता हूँ, अपना बिजनेस अपने जगह पे करो, मातृभूमि पे, समझ आया, जहाँ पैदा हुए हो। ये तुम कमाने के चक्कर में बाहर जाओगे, बाहर तुम्हारा शोषण करेंगे, समझ आया। और यही कोरोना के टाइम में बंदों ने सीखा होगा, लेकिन अभी वापस आ गए बंदे। वो गरीबी ना कुछ भी करवा लेती है यार, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है यार, सच्ची बता रहा हूँ, गरीबी बहुत बुरी है। लेकिन गरीब है ना बुद्धू होता है, ये बात तो है। गरीब बेचारा करे भी क्या यार, गरीब चुनता है, सोचता है कि इस बार बदलेगा जमाना, इस बार देश बदल सकता है, गरीब वोट देता है, चुनता है, लेकिन फिर वही फरेब, फिर वही चीज़ें, क्या करे गरीब बेचारा। अगर गरीब कमाने ना जाए, इन सारी चीज़ों को करने लगे, देश को बचाऊंगा, ये करूंगा, बेचारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा। जिन बंदों को करना चाहिए वो हमेशा एसी में बैठे रहते हैं, है ना। गरीब बेचारा अगर शाम तक पैसा कमा के नहीं पहुँचेगा तो आज उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अगर आज उसने नहीं कमाया ना, दो दिन बाद उसके घर में लाले पड़ जाएंगे कि अब फीस कहाँ से देनी है, पैसा कहाँ से देना है, बिजली का बिल कहाँ से देंगे। यही तो है ना, अधिकतर के घर में यही चलता है कि दो दिन काम पे नहीं गए तो बोझ बढ़ जाता है कि हाँ भाई पैसा कम हो गया है, ऐसे ही होता है ना। हम बेचारे कहाँ क्रांति करेंगे, क्रांति करने से पहले हमारी गरीबी हमारी क्रांति दबा देती है, ये बहुत बड़ी वजह है पता है। लेकिन क्रांति ही गरीब ही क्रांति करता है, हकीकत बात है, क्योंकि अमीर कभी क्रांति नहीं करेगा, अमीर को दिक्कत ही नहीं है, सीधी से बात। क्योंकि जब हम गुलाम भी थे ना, तो क्रांति उन्हीं लोगों ने करी है जो गरीब थे, या तो वो लोग जो सच्चे थे। अमीर तो तब भी अंग्रेज़ों के नौकर थे, आज भी सरकार के नौकर रहे हैं। कभी भी कोई तुम्हारा नहीं है, ध्यान रखना, कोई सरकार तुम्हारी नहीं होती, चाहे तुम्हारे देश में तुम्हारा हिंदू प्रधानमंत्री हो, मुस्लिम हो, चाहे तुम्हारी जाति का, कोई तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा वही होता है जो तुम्हारा बुरे में साथ देता है, सीधी सी बात, यही सत्य है। अभी है तो 75-76 साल से आज़ाद हैं हम, कौन सा आज़ाद हैं, अंग्रेज़ों के कानून आज भी चल रहे हैं, हम गरीब आज भी हैं, बेचारा रिक्शे वाला आज भी रिक्शा खींच रहा है, उसकी 7 पुश्तें बीत गई हैं, आज भी रिक्शा खींच रहा है। सोचो आज जो रिक्शा खींच रहा है वो अपने ज़माने में, और उसके दादा परदादा कितने गरीब होंगे भाई, है सोचने की बात है ना। जिसके पास आज के ज़माने में महीने का 10,000 जो कमा रहा है वो तब क्या करता होगा, तब बंदा खाते भी होंगे, खाना नहीं खा पाते होंगे, सोचने की बात है। बताओ हमारा क्या स्थिति है देश में गरीबों की, और गरीबों की जनसंख्या बोले तो 75-80% गरीबी हैं भारत में। रोटी के 4 टुकड़े करने हैं, 4 में से जो 1 टुकड़ा होगा वो गरीबों के पास है, 3 टुकड़े अमीरों के पास है, और अमीर गिनती भर के हैं। यही है हमारे देश की सच्चाई। छोड़ो सीरियस हो जाऊंगा नहीं, थोड़ी देर में मैं सुनो भाई, ये वाली मूवी दिखानी पड़ेगी अब तुम्हें यार, कोरोना वाली, तभी तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा, आग जलेगी, गरीबी ख़त्म करनी है। फिर तुम गरीबों को ख़त्म करोगे जब अमीर बन जाओगे, गरीब को हटा दो, फुटपाथ से हटा दो इसको, साले को गोली मरो। मैं चाहूँगा ये तू मेरे को ना बोले, ये तू करके दिखाए और मेरे मुंह पे तमाचा लगे कि हाँ भाई ये लड़की सॉलिड निकली है, ठीक है। परमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूस मदद, रूस ने हमारी, देखो जिस समय ना कोई भी देश हमारी मदद नहीं कर रहा था हमारे एटम बनने में, ठीक है, परमाणु उसके बनाने में, समझ आ रहा है। 1974 में हमने पोखरण में टेस्ट किया, पता है। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी, 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार होती है, हम पहला परमाणु परीक्षण करते हैं, राजस्थान के अंदर पोखरण जिला है, वो देखिए मूवी जिसके अंदर अजय देवगन है, नई मूवी आई है भुज द प्राइड, अरे नई मूवी है, अजय देवगन है काजोल का पति, अच्छा तो उसके अंदर यही दिखा रखा है। सुनो तो क्या है कि जब 1974 में हमने करा ना, तो हमने टेस्ट कर लिया, अमेरिका तब भी नहीं हमें करने दे रहा था। जब 1998 की बात आई ना, 1998 में दूसरा परमाणु टेस्ट किया था हमने, समझ आ रहा है। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने अमेरिका में करने नहीं दे रहा था, लेकिन हमने तब भी कर दिया। अमेरिका ने हमारे ऊपर सेंसर लगा दिए दोनों बार, सेंसर मतलब प्रतिबंध, हम हिंदुस्तान को गेहूँ नहीं बेचेंगे, मतलब जो हमें, हमारी हालात ख़राब थे यार, हम युद्ध झेल रहे हैं, अभी आज़ाद हुए हैं, अमेरिका अमीर है, और हम वो आत्मनिर्भर भी बनना चाह रहे हैं, तो यार खुददार इंसान मार बहुत खाता है ना, अरे जो बेईमानी नहीं करता वो बेचारा बहुत दुख में रहता है, ये तो बात सच्चाई है।
उसमें ईमानदार आदमी मार खाता है और क्या, वो ईमानदारी का है इतना सच बोल के आता है कैसे तो ये इस जगह ईमानदारी नहीं दिखानी होती, इस जगह समझदारी दिखानी होती है। वो दारी दारी में आप कंफ्यूज हो गए, सॉरी, ईमानदारी समझदारी या समझदारी दिखाओ। हाँ समझ आ रहा है, असलियत में तो सीमा इधर आ रही है, असलियत में प्यार के नाम पे आ रहे हैं अपने 6-6 साल के बच्चों को छोड़ के। असली में कोई बच्ची छोड़ने नहीं जाता, असली में बच्ची के पास जा रहे हैं। समझ आ रहा है, बाबू के पास। समझ आया, सुनो, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश हम दोनों कर रहे हैं, हम दोनों देश, ठीक है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ऊपर देखोगे यहाँ पे देखो, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके ऊपर तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर उसके ऊपर रसिया आ जाएगा, सारे देश तुम्हें ऊपर ही दिखेंगे, है ना बिटिया? दिखे बिट्टी, दिखे, देखो, दिखे पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान दिखा, अफगानिस्तान के ऊपर दिखा कजाकिस्तान, कहीं तजाकिस्तान दिखा, ता से भी आएगा तजाकिस्तान, फिर एक आएगा तुर्कमेनिस्तान। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, याद करना नहीं है, बस तुम्हें ये जानना है जहाँ पे तान 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 है वहाँ पे तुम तान देना हाथ अपना इस तरफ। समझ आया? नक्शा नहीं देखेगी तू इतने, शर्म नहीं आ रही होगी, और तू गरीबों की मदद करेगी, गरीबों की मदद करूंगी। हाँ कसम से, तू बहुत अच्छी लड़की है, बस ये सत्य हो जाए। मैं नौकरी लग जाए तुम्हारी मदद करूंगा, मेरी लग जाए हैं, सच्ची में करूंगा। नहीं नौकरी तो लग जाए पहले, अभी तो मैं खुद के बेरोजगार हूँ, पैसा नहीं है, तिल तिल के काट रहा हूँ जिंदगी अपनी कैसे ना कैसे। मुझे अमीर बनना है, रियली बनना है। पैसा है तो बड़ी 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 बातें यूँ उंगली से चाबी घुमाते हुए घुसेगी मॉल के अंदर, ये खरीदूंगे आज, चल अपने मालिक को बुला। नहीं अच्छा सीरियस है, मेरे को लगा मजाक था, सभी सीरियस हैं, अमीर सबको बनना है। सुनो भाई, अमीर सब बनना चाहते हैं, बन कोई नहीं पाता, गिनती के बंदे बनते हैं, गिनती के करोड़ों में से गिनती के बंदे बनते हैं, भूसे में से सुई ढूंढने जैसा बराबर है अमीर बनना। समझ आ रहा है? सुनो भाई, गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस और भारत के बीच में 17 वर्षीय सम्मेलन के में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये व्लादिमीर पुतिन आज साला 30 साल हो गए तब से है, पता नहीं कब तक रहेगा, ठीक है, बीच परमाणु रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया, ठीक है। वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की तुलना में रूस के साथ भारत के संबंध करीबी और बेहद मजबूत रहे। भारत और रूस ऐतिहासिक रूप से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़े रहे। हाल ही में रूस रक्षा मंत्रालय के निमंत्रण पर भारतीय रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए मॉस्को रूस पहुंचे, ठीक है। भारतीय रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर के दौरान भारत और रूस के संबंधों को विशेष विशेषाधिकार प्राप्ति स्मारक साझेदारी बताया तथा दोनों देशों के बीच वर्तमान द्विपक्षीय रक्षा अनुबंधों को जारी रखते हुए शीघ्र ही कई अन्य क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूत और प्रतिबद्धता को दोहराया। वर्ष 2018 और 2019 में दोनों देशों के शासन अध्यक्षों ने एक दूसरे के साथ यात्रा करी। सीधी सी बात, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपस में आके मिल रहे हैं और दोस्ती बढ़ा रहे हैं, बस। समझ आया? और ये आज की बात नहीं है, भारत और रसिया में दोस्ती, मतलब भारत और रसिया में दोस्ती, ये तब की बात है जब USSR था, और ये दोस्ती तब साबित हुई थी जब हम क्या थे, मुश्किल में फंसे थे। तुम्हारा जो सबसे घनिष्ठ है ना, जो तुम्हें तुम्हें बोलता है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त है या तुम्हारा साथी है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा तब साबित होगा जब बुरे वक्त में साथ होगा। अच्छे वक्त में तो कुत्ता भी साथ में होता है, समझ आया, और बुरे वक्त में कुत्ता ही साथ में होता है, लाइन का मतलब समझे ना। अच्छे वक्त में कुत्ते भी साथ में होते हैं और बुरे वक्त में कुत्ता ही साथ में होता है, समझ आया। तो एक वफादार कुत्ता बनाना है,
दोस्त तो काफ़ी बन जाते हैं। नहीं, हकीकत बात है, बुरे वक्त में ना बंदे साथ छोड़ देते हैं अच्छे से अच्छे बंदे, और बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा दिलदार बंदे ही साथ में होते हैं, जो एकदम ही क्या होते हैं दिलदार। दिलदार मतलब उन्हें दुनिया का मतलब ही नहीं है, जानते जो होना है देखा जाएगा। दोस्ती बड़ी चीज़ है, समझ आया है ना। तो ऐसे ही 1971 में जब युद्ध हुआ था हमारा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, जब हमने क्या करा था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था, बांग्लादेश पैदा हुआ था। नहीं याद तुम्हें क्या फीलिंग आती है? अच्छा मैं इधर आता हूँ, रुको सुनो। तो क्या हुआ था 1971 में पता है आपको? क्या यार पहले आए हुए थे, इतनी बड़ी स्टोरी बता दी है मैंने, बताया नहीं थी 1971 के युद्ध की कहानी, जब पाकिस्तान क्या बोलते हैं अमेरिका अपने 4-5 गुंडे लेके ऐसे ऐसे आ रहा था, वहाँ से रसिया बाइक लेके आता है अपने 12-15 गुंडों के साथ, बीच में गाड़ी लगाता है, अमेरिका बोलता है यहीं से वापस, अमेरिका बोलता है हाँ सॉरी गलती होगी, हम तो यहाँ कहीं जा रहे थे, गलती से आ गए, रास्ता भूल गए थे जी। अरे जब सीधे ऐसे सीधे, तो अमेरिका वाले वापस हो जाते हैं, अमेरिका इज बिजनेसमैन कंट्री, वो अपना नुकसान नहीं चाहता, और रसिया आता है 1971 में हमें बचाने, समझ आया। क्योंकि हमने है ना जब युद्ध होने वाला था उससे एक साल पहले हमने 1970 में ना हम रसिया से है ना दो पक्षीय समझौता कर लेते हैं, हम 20 वर्षीय संधि, जिसमें लिखा होता है हमें रसिया पे कोई भी वार करेगा तो हम अपने पे मानेंगे, तब रसिया नहीं होता USSR होता है, और USSR इंडिया पे कोई भी वार करेगा तो USSR बोलेगा हमारे ऊपर हुआ है, मतलब दो जिसमें एक जान वो अलग कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, समझ आया। ये रसिया और हमारे बीच गाने चल रहे होते हैं, समझ आ रहा है। तो दोस्ती का प्रमाण वही पता लगता है जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए हमारे पास आता है, मतलब हमारे पास नहीं आता, हमारे पे बम मारने आता है, अपने युद्ध पोत उतार देता है समुद्र में, युद्ध पोत होते हैं बड़े बड़े शिप होते हैं जिसके अंदर बम बम सब कुछ होता है, ठीक है, पनडुब्बी वगैरह, तो वो उतार देता है। हम फोन करते हैं किसको, रसिया को, नहीं USSR को, किया था वादा किए थे कि भूल गए, बोलते रहे बोलते वादा याद है, हम धोखेबाज नहीं है, प्यार निभाने आएंगे तो अपने आते हैं प्यार निभाने, गाड़ी लगाते हैं ड्रिफ्ट मारते हैं बीच में, समझ आया। तो जो रसिया उस समय आता है ना, तो वहीं से फिर दीवानगी का असर चढ़ जाता है हमें, हमारे और रसिया के बीच, कि तू ही है पक्का दोस्त, जिएंगे तो मरेंगे साथ, अब देखा जाएगा जो भी होगा, समझ आ रहा है। इसीलिए आज भी स्थिति है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हम रसिया के खिलाफ नहीं जा रहे, हमें पता है ना जब विश्व में वर्ल्ड वॉर हो रहा होगा तब हम क्या होंगे, रसिया और हम साथ होंगे, समझ आ रहा है। चाइना से युद्ध होगा तो रसिया हमारा साथ दे, इसलिए हम रसिया के खिलाफ नहीं जाते, हमें पता है दुनिया में अगर सभी खिलाफ हो गए तो हमारे साथ कौन बचेगा, एक रसिया है जिससे अच्छी दोस्ती चल रही है, चलने दो ना भाई, समझ आया। बाकी बात कल, ठीक, बात बंद।